Whenever we want to measure or characterize some data, सबसे important जो measure है, that is average. अब ये average क्या है? या इसका statistics में क्या नाम लिया जाता है? Basically, average is a mean to measure central tendency of data. What is this central tendency? Central tendency जो है, ये एक behavior है, जो ये बताती है, कि data जो है, उसका एक center point है, और बाकी सारे जो points हैं, उस center point से कैसे प्रोपिगेट कर रहे हैं, कैसे उसके साथ रिलेट कर रहे हैं. बेसिकली इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ आई विल डिफाइन इट? इट इज बेसिकली अ स्कोर विच डिफाइन सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहां पर मैंने एक टर्म यूज की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वट इज दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जब भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होती है. अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ इज बेसिकली अक्रेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन सम पर्टिकुलर और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. जैसे लेट से कि मेरे पास एक क्वाइन है, अब मैं अगर उसे टॉस करूं तो 50% चांसेस हैं कि एक हेड आएगा और 50% चांसेस हैं कि एक टेल आएगी. नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस क्वाइन इज 0.5% ऑफ 0.5 इज इक्वल टू लाइक लेट वी से हेड एंड 0.5 इज टेल. ओके इन सेंटर सो व्हाट हैपन इज, अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये एक ग्राफ की फॉर्म में होती है और इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट्स आवर सेंट्रल टेंडेंसी. अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के डिफरेंट मेजर्स अवेलेबल हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट भी हैं, जो काफी अरसे से यूज हो रहे हैं. आप लोगों ने उनको काफी पहले पढ़ा भी होगा, यूज भी किया होगा. अब यहां पे हम कैसे उनको यूज कर रहे हैं और हाउ दे आर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस कोर्स. जैसे कॉमन सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स कौन से हैं? नंबर वन इज मीन, मीन और एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें होता हमारे पास क्या है, इसका कॉमन आइडिया ये है कि जितने भी हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हैं, लेट्स से वी हैव सैंपल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5, तो हम करेंगे क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सारे जो पॉइंट्स हैं उन सबका हम समिशन करेंगे विच इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट दैट इज 5. This thing is shown in the following figure by 1 by n is our numbers which is count which is equivalent to 5. और उसके अलावा हम क्या करें कि सब numbers का sum ले रहे हैं, that is start i is equal to 1 to n and xi. So xi is first time 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. और हम साथ साथ क्या करें कि जैसे जैसे जो number ले रहे हैं उसका हम sum करते जा रहे हैं. तो अगर हम 1 to 5 का submission ले लें और उसके बाद जो total sum आया है उसे divide by n कर दें तो ये हमारा एवरेज या मीन बनता है. इसको अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है. सेकेंड मेजर इज मीडियन. अब मीडियन हमारे पास क्या होता है? कॉमन मैथमेटिक्स में मीडियन हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, जैसे अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो मीडियन हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी द मिडल वैल्यू इन दैट सीक्वेंस. अब ये मिडल वैल्यू लेने की क्यों जरूरत आती है या क्या खासियत है इसकी? बेसिकली ये समझा जाता है कि जब हमारे पास डाटा है तो सेंटर पॉइंट ऐसी चीज होगी जिसके लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स में या लेफ्ट और राइट पैनल्स में डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. इसलिए मीडियन की काफी अहमियत समझी जाती है. अब हाउ टू कैलकुलेट मीडियन? सिंपली अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं तो हम सिंपल मिडल एलिमेंट लेंगे. लेफ्ट और राइट एलिमेंट जो हमारे पास हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स दे वुड बी इक्वल. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जिसमें इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो फिर हमें सेंटर टू पॉइंट्स का अगेन एवरेज लेना पड़ेगा और फिर उन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम मीडियन लेंगे. अब जो मीडियन जो है ज्यादातर ऑर्डिनर वैल्यूज पे अप्लाई किया जाता है. अब नाउ व्हाट आर ऑर्डिनर वैल्यूज? डेटा को डिफाइन करने के, रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं जिनमें से एक ऑर्डिनर वैल्यूज है. ऑर्डिनर वैल्यूज से मुराद क्या है कि जो वैल्यूज एक ऑर्डर को फोकस कर रही हूं, फॉलो कर रही हूं. जैसे लेट से कि मैं आपसे ये कहता हूं कि यार मैं किसी चीज को खाता हूं, लेट्स से कि मेरे पास फूड आइटम है. अब इस फूड आइटम की आपने लाइकिंग बतानी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी गुड टू वेरी बैड. अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? लेट्स से वी टेक 0 एज गुड, 1 एज वेरी गुड एंड -1 एज बैड एंड -2 एज वेरी बैड. तो अब ये एक ऑर्डिनर वैल्यूज है जिसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं. मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 1 जिसमें 3 जो है वो मिडल वैल्यू है जिसको हम गुड कह रहे हैं और 1 जो है वो बैड वैल्यू है. Then we have mode.
मोड क्या होता है? मोड जो है नंबर वन कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज होता है। कैटेगोरिकल डाटा से मुराद क्या है? जो डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हों हमारी, जिसके अंदर जैसे लेट्स से कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास किसी स्पेसिफिक डाटा में कितनी नंबर ऑफ अकरेंसेज ऐसी हैं जो गुड स्टूडेंट्स हैं या बैड स्टूडेंट्स हैं। अब इस तरह के डाटा की अगर हम बात करें तो मोड की डेफिनेशन या मोड कैसे निकाला जाता है? मोड इज बेसिकली द एलिमेंट विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एनी सीक्वेंस। जैसे लेट्स से कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका मोड क्या होगा? इसका मोड जो है वो 1 होगा, क्योंकि 1 2 टाइम्स अकर हुआ है। तो सिंपली इट इज द काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? कि नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ समथिंग इन एनी सीक्वेंस। देन वी हैव ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन की सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि इट इज बेसिकली nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे लेट्स से मेरे पास दो नंबर जो है वो है 2 and 8। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? वी विल सिंपली टेक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 2 into 8 दैट इज इक्वल टू 16। और सेकेंड डेफिनेशन का पार्ट क्या है कि वी विल टेक रूट ऑफ दैट। रूट से मुराद क्या है? इफ वी टेक 1 is power 2 सो दैट विल बिकम 16 एंड वी टेक रूट ऑफ दिस सो इट बिकम्स 4। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या है, दो नंबर्स हमने लिए, उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट की, मल्टीप्लाई किया और फिर उसकी रूट ले ली। और इसका अब क्या होगा, इससे जब हम मल्टीप्लाई करें और रूट ले रहे हैं तो यहां से हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें और उनका रूट ले रहे हैं दैट शुड बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से मुराद क्या है? जो प्रॉपर एंडिंग हो, जिनकी लेट से 1.111 ना हो बल्कि ये 1 इटसेल्फ या 2, जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स हो, डेसिमल पॉइंट्स के नंबर्स हो हमारे पास। और सेकंडली पॉजिटिव स्केल डाटा। पॉजिटिव स्केल डाटा का मतलब क्या है? कि हमारे पास जो डाटा है वो पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद हो, नेगेटिव नंबर्स ना हो। फाइनल जो हमारे पास एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है दैट इज हार्मोनिक मीन। अब ये हार्मोनिक मीन जो है इट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। और अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अब हमारे पास इतने सारे मीन है, हार्मोनिक, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, और उसके बाद मैंने कुछ यहां पे लिखे वेटेड अरिथमेटिक, ट्रंकेटेड मीन, ट्रिम्ड मीन, इंटर क्वार्टाइल मीन। अब सारे ये मीन है, पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? मीन का मतलब ये होता है, लेट्स से कि मैं क्लास के अंदर मैंने ग्रेडिंग की। अब मैंने क्या किया कि जब ग्रेड किया तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 100 में से 40 मार्क्स आए, कुछ स्टूडेंट थे जिनके 90। मैंने कहा नहीं भाई, सबको ना एवरेज नंबर मिलेगा। अब जब एवरेज नंबर मिलेगा तो जो 40 वाला है वो तो शायद बहुत खुश होगा कि जी उसके 40 से लेट्स से डायरेक्टली 70 तक चले गए, लेकिन 90 वाले को क्या होगा कि उसे नुकसान होगा कि हिज नंबर्स विल बिकम फ्रॉम 90 to 70। तो इसको हल करने का तरीका जो है दैट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। कि इसमें क्या है कि कुछ नंबर्स को या कुछ सैंपल्स को हम वेट असाइन कर देंगे कि यार इनको आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेंगे, बाकी को आप चेंज कर दो। जैसे लेट्स से मैं कहता हूं कि जिनके 90 मार्क्स हैं उनके मार्क्स आपने खराब नहीं करने, लेकिन अगर कोई 70 वाला है तो उसको आप चेंज कर लें, 40 को इंक्रीज कर दें लेकिन 90 को एज इट इज रहने दें। या सिमिलरली मैं चाहता हूं कि 40 वाले को हम अगर ना कोई एडवांटेज दें तो उसको भी वेट असाइन कर देंगे कि इसको हमने टच नहीं करना। सिमिलरली ट्रंकेटेड मीन। ट्रंकेटेड मीन भी सेम यही आइडिया है कि जिसके अंदर आप कुछ बाउंड्रीज डिफाइन कर देंगे, लोअर बाउंड्री और आउटर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री जैसे हमने अभी एग्जांपल दी, उसमें 40 जो है वो एक लोअर बाउंड्री है और 90 जो है वो एक अपर बाउंड्री है। हम ये कहेंगे कि वी विल नॉट चेंज और डिस्टर्ब आवर बाउंड्रीज, और बाकी जो डेटा बचता है उसके ऊपर अरिथमेटिक मीन अप्लाई कर दें। अब ये मीन्स हम क्यों यूज करते हैं? डेफिनेशन हमारे पास हैं और इसी तरह काफी सारे और भी मीन्स की टाइप्स हैं, लेकिन आइडिया बेसिकली क्या है और किन केसेस में कौन सा मीन यूज हो। अब अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या करता है और बाकी ज्योमेट्रिक और दूसरे हार्मोनिक मीन की जरूरत क्यों पड़ती है? उन केसेस में जहां पे हमारे पास डाटा की डिस्पर्शन बहुत ज्यादा हो, वहां पर अरिथमेटिक मीन जो है वो डाटा को खराब करना शुरू कर देता है। तो उन केसेस में हमारी प्रेफरेंस होती है कि वो हार्मोनिक मीन को यूज किया जाए एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की अपनी स्पेसिफिकेशन है या एप्लीकेशन है, और इनके ऊपर हम डिटेल में देखा जा सकता है कि किस सिचुएशन में कौन सी चीज को हमने अप्लाई करना है। लेकिन एक रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब ये है कि जब भी किसी भी किस्म का हमारे पास डाटा है तो जो अरिथमेटिक मीन का जो स्कोप आएगा या जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी होगी, ऑन द अदर हैंड जो हार्मोनिक मीन है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, और फाइनली ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है वो इन बिटवीन होगी अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक मीन्स।